पीएम मोदी आज अलीगढ़ के पास राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। अलीगढ़ में जाट राजा के नाम पर यूनिवर्सिटी का वादा 2 साल पहले मुख्यमंत्री योगी ने किया था, जिसे आज पीएम मोदी पूरा करने जा रहे हैं। सड़कों के किनारे विशालकाय होर्डिंग, पीएम मोदी की बड़ी बड़ी तस्वीरें, चौकस प्रशासन, चाक चौबंद सुरक्षा। अलीगढ़ तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। मौका है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने के कार्यक्रम का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे अलीगढ़ पहुंचेंगे। मोदी अलीगढ़ से 30 किलोमीटर दूर लोधा गांव में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी भी मौजूद रहेंगे। यही है वो विशालकाय पंडाल जहां पीएम मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। इंतजाम ऐसा है कि अगर 1.5 लाख लोग भी जनसभा में पहुंच जाएं तो कोई दिक्कत न होने पाए। जिस विद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी उसी क्रम में यह पूरी तैयारी की जा रही है। जो हमारी सिक्योरिटी की ड्रिल है उसके हिसाब से पूरी ड्रिल कर ली गई है। एसओपी के हिसाब से पूरी ड्यूटी लगा दी गई है। जो भी सीएपीएफ की टीमें थी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, उनकी ड्यूटी लगा दी गई, आरएफ की लगा दी गई, और डिफरेंट जो सिक्योरिटी एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो कर लिया गया है। ये बेहद हाई प्रोफाइल आयोजन है, कहीं कोई रत्ती भर भी कसर बाकी न रहे, ये देखने कल खुद सीएम योगी अलीगढ़ में थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया तो पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में रखे राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय के 3D मॉडल का भी मुआयना किया। राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी 92.7 एकड़ जमीन पर बनेगा। यूनिवर्सिटी के पहले चरण में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2023 तक यूनिवर्सिटी को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस यूनिवर्सिटी में डिफेंस स्टडीज की भी पढ़ाई होगी। जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, उनके नाम पर विद्यालय का माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं अलीगढ़ में उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, और ये वो विश्वविद्यालय होगा जहां पर पहला इंडिया में डिफेंस स्टडी को पढ़ाया जाएगा। यहां पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले कोर्सेज हैं उनको पढ़ाया जाएगा, और ये 92 एकड़ की परिधि में चलने वाला जो विश्वविद्यालय है इसमें 100 करोड़ से ऊपर की राशि प्रथम किस्त के रूप में हमने जारी भी कर दी है। 14 सितंबर 2019 को योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय निर्माण का वादा किया था, और 2 साल के भीतर इसके शिलान्यास का दिन आ गया है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ अकरम खान, अलीगढ़ आज तक। तो कौन थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जिनके नाम पर पीएम मोदी यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने जा रहे हैं, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, ये जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की इच्छा थी, और उसको लेकर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े महत्वपूर्ण काम किए। हाथरस के राजा महेंद्र प्रताप सिंह की शख्सियत का ये महज छोटा सा परिचय है। महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आजादी से पहले काबुल में भारत की अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार का से विरोध किया, और जब 1914 की लड़ाई शुरू हुई तो अफगानिस्तान गए, वहां उन्होंने आजाद हिंदुस्तान की एक हुकूमत बनाई, तो अंग्रेज सरकार उनके पीछे हो गए। अमीर हबीबुल्ला थे अफगानिस्तान के, उन्होंने फिर एक्सपेल किया अफगानिस्तान से उन्हें, तो वो फिर ईरान और तुर्की और जर्मनी गए, बहुत दिन तक बाहर रहे क्योंकि उनके खिलाफ वारंट था, और सिर्फ दूसरी जंग के बाद, लड़ाई के बाद, वर्ल्ड वॉर के बाद वो फिर हिंदुस्तान वापस आए आज़ादी से कुछ दिन पहले। इन्हीं महान शख्सियत के नाम पर अलीगढ़ के पास बनने जा रहा है विशाल विश्वविद्यालय। हैरानी की बात देखिए, मथुरा, कासगंज, अलीगढ़ से लेकर वाराणसी तक विश्वविद्यालयों के निर्माण में उन्होंने अपनी जमीन दी, लेकिन बताया जाता है कि कहीं भी
उनके नाम का जिक्र नहीं है। जो पहला टेक्निकल विद्यालय है मैं समझता हूँ एशिया में होगा, वो उन्होंने वृंदावन में मथुरा में बनाया था, मदन मोहन मालवीय जी ने उसका उद्घाटन किया था। कासगंज में उन्होंने विद्यालय बनाया, बीएचयू के लिए जमीन दी, उसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के लिए उन्होंने जमीन दी, लेकिन जमीन देने वाले व्यक्ति का नाम कहीं उस विश्वविद्यालय में दर्ज नहीं है। राजा महेंद्र प्रताप के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित हैं। वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार, लेखक, क्रांतिकारी और समाज सुधारक थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह आर्यन पेशवा के नाम से प्रसिद्ध थे। 1906 में जींद के महाराजा की इच्छा के विपरीत राजा महेंद्र प्रताप ने कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। 1909 में वृंदावन में उन्होंने प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की, जो भारत में तकनीकी शिक्षा का पहला केंद्र था। 1 दिसंबर 1915 को उन्होंने काबुल से भारत की अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया, जिसका राष्ट्रपति उन्होंने खुद को घोषित किया और प्रधानमंत्री मौलाना बरकतुल्ला खान को बताया था। 1920 से 1946 तक वे विदेश में ही रहे और 1946 में भारत लौटे। 1962 में राजा साहेब ने अलीगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते भी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह की शख्सियत निर्विवाद है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्हें लेकर लगातार सियासी विवाद खड़ा किया जाता रहा है। 2014 में एएमयू में राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्मदिन मनाने की कोशिश की गई थी, एएमयू प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने के पीछे भी सियासी अटकलें गर्म हैं। सियासी पंडित मानते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी के शिलान्यास से बीजेपी अलीगढ़, हाथरस, मथुरा से लेकर मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर तक जाट लैंड में अपना संदेश देना चाहती है। हाथरस में राजेश के साथ शिवम श्रीवास्तव, अलीगढ़ आज तक। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। संजय, डिटेल में बताइए आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का, कितने बजे वो वहां अलीगढ़ पहुंचेंगे? प्रधानमंत्री 11:30 बजे करीब यहां अलीगढ़ पहुंचने वाले हैं और हम जिस जगह पर खड़े हैं यहां कुछ सालों में जो एक दूर दूर तक सपाट खेत दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण होगा, यानी आयुध निर्माण यहाँ पर बनेगी, तरह तरह की प्रयोगशालाएं बनेंगी, लेबोरेटरीज बनेंगी, यानी कुल मिलाकर अभी तक जेवर का एयरपोर्ट, साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे और उसके साथ जो ये रास्ता जा रहा है 4-लेन हाईवे, यानी विकास का एक और 4-लेन हाईवे इस इलाके में आएगा। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पीछे जहाँ ये गैस प्लांट लगा है उसके बावजूद स्थानीय लोगों को उस अनुपात में रोजगार नहीं मिला है जिसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब एक बार फिर लोग उम्मीद से हैं और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ जब डिफेंस कॉरिडोर बन जाएगा, विश्वविद्यालय होगा, एक नया विश्वविद्यालय, तो लोगों को रोजगार मिलेगा शिक्षा के साथ साथ। तो ऐसे में प्रधानमंत्री बहुआकांक्षी ऐसी योजनाओं का शिलान्यास करने आ रहे हैं। एक विश्वविद्यालय का शिलान्यास है जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह उनके नाम पर है और इसके साथ ही ये डिफेंस कॉरिडोर इस इलाके को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। हालांकि ये विकास की योजनाएं हैं लेकिन इनके सियासी मतलब तो निकाले ही जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक निरापद व्यक्तित्व के नाम पर विवाद उठाया गया, उसके बाद सियासी नुक्ते बनना, सियासी फोकस होना उस पर वो लाजमी है और चुनाव करीब है, लिहाजा इन तमाम कदमों को, विकास के इन तमाम परियोजनाओं को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल, चुनाव से जोड़ा जा रहा है इस दौरे को। और बात अब गुजरात में मूसलाधार बारिश से मचे हाहाकार की करेंगे, क्योंकि गुजरात के जामनगर, राजकोट और जूनागढ़ में बारिश से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। जामनगर से आई ये रिपोर्ट देखिए। ये गुजरात के जामनगर की तस्वीरें हैं
पूरे इलाके को सैलाब ने अपनी आगोश में ले रखा है। एक मकान में कुछ लोग फंसे हुए हैं और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक लोहे की ग्रिल लगाई हुई है और उसके सहारे एनडीआरएफ की टीम एक एक करके घर में फंसे लोगों को निकाल रही है। ये देखिए, एक बच्चे को लाइफ जैकेट पहनाई गई है और एनडीआरएफ का जवान लोहे की ग्रिल पर धीरे धीरे खिसक कर उसे बचा रहा है। लोहे की ग्रिल के ऊपर एक रस्सी भी बांधी गई है जिसके सहारे ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पूरे इलाके में सैलाब रफ्तार के साथ बह रहा है, गाड़ियां डूबी हैं, मकानों की पहली मंजिल तो पूरी तरह से पानी में समा गई है। अब खौफ और खतरे से भरी ये तस्वीरें भी देखिए, कैसे एनडीआरएफ की टीम का एक जवान एक बच्चे को गोद में उठाकर रस्सियों के सहारे उसका रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। यहाँ रत्ती भर भी गलती सीधे मौत से मुलाकात करा सकती है। जामनगर में हेलीकॉप्टर से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को भी देखिए। सितंबर के महीने में बेहिसाब बरसते बादल और उसके बाद आए सैलाब ने जिंदगी को खतरे में डाला, तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर भी बुलाए गए। आप देख सकते हैं, कुछ लोग सैलाब के बीचों बीच एक मकान की छत पर फंसे हुए हैं और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक मकान की छत से एक शख्स को हेलीकॉप्टर से ऊपर खींचा जा रहा है। रूह कांपने लगती है। पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। हम आपको बता दें कि गुजरात के जामनगर में भयंकर बारिश और सैलाब के चलते अब तक 35 गांव का संपर्क टूट चुका है। ज्यादा लोग अपने मकानों की छतों पर शरण लिए हुए हैं। एनडीआरएफ की 6 टीमें और एयरफोर्स के 4 हेलीकॉप्टर लोगों का रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ ने जामनगर के कालावाड़ में ही रेस्क्यू करके 31 लोगों की जान बचाई। अब इन तस्वीरों को भी देखिए, कैसे एक मकान की छत पर लोग फंसे हुए हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह से एक शख्स ने एक महिला की जान बचाई वो वाकई हिम्मत और हौसला बढ़ाने वाला है। दो मकानों के बीच एक रस्सी बंधी हुई है, बीच में एक शख्स खड़ा है। महिला एक मकान से पहले इस शख्स के कंधों पर पैर रखती है और ये शख्स हिम्मत के साथ खड़ा रहता है। फिर दूसरी छत पर खड़े कुछ लोग महिला को खींचते हैं। जामनगर के इस इलाके की तस्वीर देखिए, पूरी बस्ती सैलाब में समा चुकी है, कंधों तक पानी है और लोगों को किसी तरह से निकाला जा रहा है। जामनगर में इतना पानी है कि लोगों के होश उड़ गए हैं, मकानों की छतों तक सैलाब पहुंच रहा है। हम आपको हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को भी देखिए, सैलाब का जोर कितना है कि कार भी प्लास्टिक के खिलौने की तरह बही जा रही है और बहते बहते ये कार दूर तक चली जाती है। जामनगर की ये तस्वीरें भी देखिए, कैसे ट्रक और बस डूबे हुए खड़े हैं। सैलाब ने सब कुछ अपनी आगोश में ले रखा है। ऐसा लग रहा है कि ये ट्रक और बस किसी नदी के बीच में खड़े हैं। और जामनगर में कैसे एक मस्जिद पूरी तरह से सैलाब में डूब गई, ये तस्वीर भी हैरान करने वाली है। आप देख सकते हैं, एक शख्स मस्जिद की दीवार पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जबकि पूरी मस्जिद डूबी हुई है। ये तस्वीर भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। डूबते घर के अंदर से बचने के लिए कैसे लोग बिजली के खंभे के सहारे जिंदगी दांव पर लगाकर अपनी जान बचा रहे हैं। जामनगर से गोपी घंगर के साथ आज तक ब्यूरो। विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे जामनगर से जुड़ गई हैं। विद्या, तस्वीरों के जरिए क्या आप ये दिखा सकते हैं इस वक्त जामनगर में ताजा स्थिति, बाढ़ से जो वहां पर विभीषिका आई है कैसी है और क्या है? जी देखिए, जो हालात कल थे वो तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी खासी धूप निकल गई है और जो पानी है आप देख लीजिए, यहाँ पर ये ऑटो रिक्शा जो अभी पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ के लोग बताते हैं कि कहीं ज्यादा था और बहुत ज्यादा पानी था और यहाँ पर 3 लोग बह गए थे। कुछ लोग यहाँ पे जो खड़े थे उन्होंने उनका वीडियो भी बनाया था बहते हुए लोगों का और कुछ लोगों ने उनको बचाया। 3 लोगों में से 2 लोगों को बचा पाए थे, एक मिसिंग रिपोर्ट किया गया था जिसको आज सवेरे एनडीआरएफ ने एक दूसरे ही बहुत आगे एक गांव है वहां पर उसको उसकी जो बॉडी है उसको निकाली है और अस्पताल भेजा गया है। तमाम जो हालात हैं वो यही हैं कि बारिश का जो पानी है जो काफी ज्यादा था, नुकसान बहुत पहुंचाया है लेकिन अब घट गया है।
पानी निकल रहा है कई इलाकों से, लेकिन जो नुकसान है अब उसका आकलन शुरू होगा। कितना नुकसान हुआ है, कहाँ हुआ है नुकसान, ये सब अब सरकार को करना है, लोगों को बताना है और उसके बाद ही उनको कोई मदद मिल पाएगी। लेकिन एक चीज जरूर है कि राहत के लोग सांस ले रहे हैं। बिल्कुल, कल से स्थिति थोड़ी बेहतर आप बता रही हैं विद्या, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात अब किसान आंदोलन पर मचे घमासान की करेंगे, क्योंकि पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के बयान से वहां पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब में धरना दे रहे किसानों को दिल्ली में धरना देने की नसीहत दे डाली है। कभी किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह, लेकिन किसान आंदोलन की आंच जब पंजाब तक पहुंची तो उन्होंने आंदोलन से हाथ जोड़ लिए। किसानों को दे डाली नसीहत कि वो पंजाब में नहीं दिल्ली में आंदोलन करें, क्योंकि पंजाब में 113 जगह किसानों के धरने से राज्य को नुकसान हो रहा है। ते मैं अपने किसान वीरां नूं यही कहना चाहुंदा हां कि ये पंजाब थोड़ा पंजाब है, थोड़ी धरती, थोड़े पिंड, थोड़े लोग, थोड़े भैन भरा जो भी है इत्थे, आपां हुण अपने पंजाब नूं ना बिगाड़ीए। उत्थे दिल्ली करना है, तुसीं करो जो कुछ करना है, प्रेशर लियाउणा उहनां ते लियाओ, मनाओ उहनां नूं, लेकिन इत्थे पंजाब दी डिवेलपमेंट वाल आपां झाकीए। पंजाब दी आबादी वध रही है, उहदे नाल डिवेलपमेंट दी लोड़ है सानूं। इस करके मैं आस करदा कि मेरी गल मन्नणगे और इस काम नूं उहदे ते ध्यान दे के अपने पंजाब दे विच इही जी गल नहीं होण देनी। पिछले कुछ दिनों से पंजाब का पड़ोसी सूबा हरियाणा भी किसान आंदोलन की आंच में तप रहा है। अपने इस बयान से कैप्टन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के निशाने पर आ गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी का किसानों को ये कहना कि हरियाणा में और दिल्ली में जाके जो मर्जी करो, पंजाब में मत करो, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। किसानों के साथ कैप्टन का टकराव कल होशियारपुर में सामने आया था। किसानों का आरोप है कि समय देने के बावजूद सीएम किसानों से नहीं मिले। इससे नाराज किसानों ने कुछ विधायकों को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जाने से रोका और काले झंडे दिखाए। किसानों का कहना है कि कैप्टन की करनी और कथनी में फर्क आ गया है। होशियारपुर से सुनील लाखा के साथ सत्येंद्र चौहान, अलीगढ़ आज तक। भगवान राम की नगरी अयोध्या इस बार यूपी की सियासी पार्टियों के लिए धाम बन गई है। हर पार्टी का नेता अयोध्या से अपने अभियान की शुरुआत कर रहा है। हर कोई भगवान राम के सहारे चुनावी नैया पार करने की कोशिश में लगा है और अब अयोध्या में धर्म की सियासी जंग में आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। यूपी में चुनावी शोर है, हर दल हर पार्टी में भक्ति का जोर है। हर कोई भक्ति से सियासी शक्ति हासिल करने में जुटा है और सियासत के इस धर्म कर्म का केंद्र बन गई है भगवान राम की नगरी अयोध्या। आम आदमी पार्टी ने भी अपना चुनावी अभियान अयोध्या से ही शुरू किया है। मंगलवार से शुरू होने वाली तिरंगा यात्रा से पहले खुद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अयोध्या पहुंचे, साधु संतों का आशीर्वाद लिया, संतों के साथ बैठकर भंडारे में खाना खाया और फिर भक्ति भाव में डूब गए। यूपी में इन दिनों कुछ ऐसी सियासी बयार बह रही है कि हर किसी के कर्म में धर्म की झलक दिखी जाती है। हर कोई खुद को राम भक्त बता रहा है और हर किसी को यूपी में भगवान राम की कृपा बरसने का भरोसा है। भगवान राम के दर्शन करने के लिए और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए इसीलिए आए कि उत्तर प्रदेश में सरकार बने और देश भर की राजनीति भगवान राम की राजनीति से प्रेरणा ले, जिसमें वो सबरी को भी उतना ही पवित्र मानते थे, जिसमें वो अपने नगरी के रहने वाले सभी लोगों को इंसान के रूप में सबको बढ़िया मानते थे और सबके लिए शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य, इसकी व्यवस्था हो। दरअसल अयोध्या इस बार यूपी की सियासत का केंद्र बिंदु बना हुआ है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। बीएसपी ने अपने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से ही की
ओवैसी ने भी अयोध्या की धरती से चुनावी आगाज किया और समाजवादी पार्टी यहां प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। यानी सभी पार्टियों को पता है कि 2022 में यूपी की जीत का रास्ता अयोध्या से होकर गुजरेगा। भक्ति के जरिए चुनावी शक्ति जुटाने की कुछ ऐसी ही तस्वीरें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के रायबरेली दौरे पर भी नजर आई। रायबरेली पहुंचने पर पहले प्रियंका गांधी ने रास्ते में हनुमान मंदिर में दर्शन किए थे, लेकिन इस सियासी कवायद के बीच सवाल ये है कि भक्ति के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश में विपक्ष कितना कामयाब होगा, क्योंकि चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं की भक्ति के बहाने बीजेपी पूरे विपक्ष को निशाने पर ले रही। यहाँ श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी को सीएम फेस बनावे, चाहे श्री राहुल गांधी जी को सीएम फेस बनावे और चाहे जो बयान दे रहे हैं वो स्वयं बन जावे, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने कांग्रेस को अस्वीकार कर दिया है। अभी कांग्रेस का यूपी में कोई भविष्य नहीं है और भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव फिर से मजबूती से लड़ रही है और जीतने जा रही है और हम सरकार फिर से बनाने जा रहे हैं। यूपी की सियासी सरगर्मी के बीच पार्टियां सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे जीत का प्लान तैयार कर रही हैं और राम का नाम लेकर चुनावी बेड़ा पार करने की कोशिश में हैं। आज तक ब्यूरो। और कोविड से जुड़ी जंग में एक अच्छी खबर आ रही है, टीकाकरण में कल देश ने एक बड़ा मकाम हासिल किया है। टीकाकरण का आंकड़ा 75 करोड़ को पार कर गया है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में नीति आयोग के सदस्य और कोविड 19 टास्क फोर्स की अगुवाई कर रहे डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि रिकॉर्ड टीकाकरण के बावजूद पर्व त्योहार के मौसम को देखते हुए लोगों को सावधान रहना चाहिए। जो 75 करोड़ वैक्सीनेशन कवरेज देश में हो गया है वो देश की अडल्ट पॉपुलेशन का 60% कवरेज भी दर्शाता है। ये भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की एक छोटी ट्रिब्यूट है देश ने जो पेश करी है, अचीवमेंट करके अपनी कैपेसिटी दिखाई है, अपना रिजॉल्व दिखाया और ये वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है वो तेज़ हुई भी है और भी तेज़ होगी और उस तरफ हमें उस रिजॉल्व की तरफ लेके जाता है कि अपनी पॉपुलेशन को हमने इस महामारी से बचाना है और वैक्सीनेशन का कवरेज जल्दी से जल्दी जो भी हमारे वयस्क हैं, जो भी एलिजिबल पॉपुलेशन है उन तक पहुँचाना है। मेरी विनती यह है कि इसके साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ सब जुड़ें, किसी को वहम किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए वैक्सीन्स के बारे में। हमारे वैक्सीन्स सेफ हैं, इफ़ेक्टिव हैं, मोर्टैलिटी या डेथ या मौत बिल्कुल ही रूल आउट कर देते हैं लगभग, इनको आप अपनाइए। इसके साथ साथ अभी भी महामारी चल रही है, सेकेंड वेव भी चल रही है, आगे जो फेस्टिवल्स का उत्सवों का सीज़न आएगा उसमें जब भीड़ में आते हैं हो सकता है कि वायरस अपना प्रकोप ज़्यादा दिखाए, तो अभी से ही हमारा रिजॉल्व होना चाहिए कि हम मास्क पहनेंगे, डिस्टेंस रखेंगे, भीड़ में नहीं जाएंगे, घर में ही उत्सव मनाएंगे, परिवार में ही उत्सव मनाएंगे और जैसे जैसे वैक्सीनेशन का कवरेज अगले 3-4 महीनों में और तेज़ हो जाएगा तो हम उसके बाद सेफ होने की तरफ बढ़ जाएंगे। इस पीरियड को हमें डिसिप्लिन से अपने आप को बचा के रखना है।